अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सांझ न्यूज़ और मैं हूं राबिया यू। सबसे पहले अब तक की हेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम समेत तमाम एयरलाइन सीईओज को 12 मई को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइन सीईओज को मुलाजमीन की जाली डिग्री केस में कराची रजिस्ट्री में तलब कर लिया। समाअत के दौरान डायरेक्टर सिविल एविएशन अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने सवाल पूछा कि मुल्क में कितने एयरलाइंस हैं। जवाब में डायरेक्टर सिविल एविएशन ने बताया कि मुल्क में 4 एयरलाइंस काम कर रही हैं। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने वकला की जाली डिग्रियों के मामले पर खुद नोटिस ले लिया। तमाम बार काउंसलर्स और नोटिस को मामले पर मानवत के लिए हाई एजुकेशन कमीशन को हदायत जारी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सूबे के नए माली 2018 और 19 का बजट आज पेश करेंगे, जबकि बजट तजवीज की मंजूरी के लिए सूबाई काबीना का इजलास जारी है। बजट का कुल हजम 1120 अरब रुपए रखा गया है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 282 अरब रुपए रखने की तजवीज है, जबकि जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 202 अरब रुपए रखने की तजवीज दी गई है। साबिक वज़ीरे आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब बहुत से मामलात में इख्तियारात से तजावज कर रहा है, जबकि चेयरमैन नैब से मुतलिक वज़ीरे आज़म की पार्लियामेंट में गुफ्तगु खुश आइन है। इन्होंने कहा कि नैब की तरफ से कोई चीज़ सामने आनी होती तो पहले 10 रोज में आ जाती। जब तक नैब को सबूत ना मिल जाए ये ट्रायल आगे बढ़ता रहेगा। कौमी असम्बली में कायदे हजम इख्तलाफा सैयद खुर्शीद शाह का कहना है कि हकूमत से बार बार कहा कि आए बैठें और मसाइल पर बात करें, लेकिन हकूमत ने पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दी। आज सारे सियासतदान गैर महफूज हो चुके हैं। इनका कहना था कि हकूमत को अब पार्लियामेंट याद आ रही है। जब चिड़िया चुग गए खेत, अंधे घोड़े ने इन्हें खाई में गिरा दिया। पाकिस्तान और आयरलैंड का तहरीकी टेस्ट मैच कल से डबलिन में खेला जाएगा। मैच से कबल दोनों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस, कौमी टीम जीत के लिए पुरअज़्म। सोनम की शादी पर मायरा खान की मुबारकबाद। मायरा खान ने अपने ट्विटर पैगाम के जरिए बॉलीवुड अदाकारा सोनम कपूर के लिए जिंदगी की नई शुरुआत पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आपने जानी अब तक की हेडलाइंस। मजीद तफसीलात और खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें www.sanjhnews.com।